फाइल ओपन करके रखी हुई है। अब ये बेसिकली आपके पास जो फाइल है, आपके पास आपके प्रॉपर्टी बार की सेक्शन है इसका। मैंने इसी को मैं मैश प्रॉपर्टी के ऊपर यूज कर आपको बताने जा रहा हूँ। मैश प्रॉपर्टी से क्या मतलब है स्टूडेंट्स, देखें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक बॉक्स है, इसको मैंने डॉटेड किया हुआ है, इसको मैंने रेड लाइंस लगाई हुई हैं और इसके ऊपर मैंने लाइन की विड्थ दी हुई है। और नेक्स्ट चीज आप जब उसके ऊपर क्लिक करें, देखें आपके पास ये लेयर लेयर में है रेड केबल के नाम से, आपके पास रेड इसका कलर है, आपके पास डॉटेड लाइन है और आपके पास इसकी विड्थ है। मुख्तलिफ ऑप्शन मैंने इसको अप्लाई की हुई है। अब स्टूडेंट्स अगर आपको सेव से आप इसको डबल क्लिक कर दें और इसके मैं कुछ टाइप्स भी ज्यादा कर देता हूँ। अब स्टूडेंट्स आपको सेम टू सेम यही चीजें अगर आपको इस सर्कल के ऊपर चाहिए, या सेम टू सेम आपको यही फॉर्मेट आपको इस बॉक्स के ऊपर चाहिए, या आपके पास कोई भी आपका एक लाइन है, आपकी ड्राइंग हो सकती है, किसी किस्म का भी आपका ऑब्जेक्ट है, आपको सेम टू सेम ये प्रॉपर्टी आपको इधर भी लेकर जानी है, तो फिर आप कैसे लाएंगे? तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीकेकार आपके पास, आप अपने स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर जाएं, आपके पास एक वृक्ष शेप बनी हुई है जिसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे, आपके पास मैश प्रॉपर्टी के नाम से ही आ जाएगा। अब जस्ट आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, आप इधर क्लिक करें, जैसे मैं से एक क्लिक कर दूंगा तो ये कहेगा सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी को आगे मैच कराओगे। मैंने कहा इसको। अब क्या किया स्टूडेंट्स, आपके पास एक पेंट बना हुआ आ गया, एक ब्रश बना हुआ आ गया। बेसिकली अब जिस जिस एरिया को आपने सिलेक्शन दिया है, जिस जिस एरिया को आप सिलेक्शन दे देंगे उसके ऊपर ये मैच प्रॉपर्टी कर देगा। कंट्रोल कंट्रोल एस कर दें। बेसिकली स्टूडेंट्स ये आपके पास बहुत ही क्विक तरीका है, बहुत ही फास्ट तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी उठाने का।